दोस्तों, भारत में 80 के दशक में टेलीविजन इंडस्ट्री के वजूद में आने से पहले एक लंबे समय तक बड़े पर्दे ने ही धार्मिक कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। इस दौरान हिंदी सिनेमा में कई पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित फिल्मों का निर्माण हुआ था, जिनमें से कुछ फिल्मों को लोगों द्वारा आज भी याद किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी फिल्म भी आई थी जिसके बनने और कामयाब होने की कहानी पर यकीन करना बहुत मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि जय संतोषी माँ नाम की इस फिल्म को मिलने वाला प्यार आज तक किसी भी धार्मिक फिल्म को नसीब नहीं हुआ है। तो आज के इस एपिसोड में हम जय संतोषी माँ फिल्म के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अपने दौर की सबसे सफल फिल्म को आगे चलकर मनहूस की संज्ञा दे दी गई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास पेशकश फिल्मी फैक्ट्स। फिल्म की कहानी सत्यवती नाम की एक धर्मपरायण महिला की है, जो संतोषी माँ की भक्त है, जिनकी कृपा से उनकी शादी बिरजू नाम के एक शख्स से हो जाती है। लेकिन ससुराल में सत्यवती को अपनी पति की बहनों द्वारा बहुत दुख दिया जाता है, जहाँ उसकी मदद माँ संतोषी करती हैं और आखिर में सब कुछ सही हो जाता है। बात करें फिल्म के बनने की, तो यह किस्सा भी किसी धार्मिक फिल्म जैसा ही था, जो फिल्म में बिरजू का किरदार निभाने वाले अभिनेता आशीष कुमार ने बताया था। आशीष कुमार के अनुसार शादी के बाद भी उन्हें बहुत समय के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके चलते उनकी पत्नी ने संतोषी माता के 16 शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दिया था। संतोषी माता की कृपा से व्रत के दौरान ही उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और बाकी बचे उपवास पर आशीष कुमार ने ही अपनी पत्नी को 16 सोमवार की कहानी सुनाई थी। इसके बाद जब उनके घर एक बेटी का आगमन हुआ, तो उन्होंने यह बात फिल्म जय संतोषी माता के प्रोड्यूसर सतराम रोहरा को सुनाई, जो संतोषी माता को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो इस फिल्म में उस समय के बड़े अभिनेताओं की जगह नए चेहरों को अपनी अदाकारी दिखाने का मौका मिला था, जहां उनके बेहतरीन काम ने सभी अभिनेताओं को हमेशा के लिए अमर कर दिया था। फिल्म में सत्यवती का किरदार कानन कौशल ने निभाया था, जो हिंदी फिल्मों के अलावा गुजराती और भोजपुरी सिनेमा में काम कर चुकी थीं। भक्ति भाव से भरपूर एक असहाय और पीड़ित महिला के किरदार में कानन कौशल जी ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा को प्रस्तुत किया था। बात करें फिल्म में बिरजू का किरदार निभाने वाले अभिनेता आशीष कुमार की, तो इन्हें इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में बनने वाली लगभग हर धार्मिक फिल्म का एक अहम हिस्सा मान लिया गया था। जय संतोषी माँ से पहले हनुमान विजय जैसी फिल्मों में काम करने वाले आशीष कुमार को 16 शुक्रवार, गायत्री महिमा और मीरा श्याम फिल्मों में अहम किरदार निभाते देखा गया था। अब बात करें इस फिल्म के सबसे चर्चित और मुख्य किरदार संतोषी माता की, तो इस किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री का नाम अनीता गुहा था, जो इससे पहले 3 अलग अलग फिल्मों में माता सीता के किरदार को पर्दे पर अभिनीत कर चुकी थी। लेकिन इस फिल्म के बाद उन्हें वही सफलता मिली थी जो दीपिका चिखलिया को माता सीता के किरदार को निभाने के बाद नसीब हुई थी। इन सब के अलावा इस फिल्म में भारत भूषण जी पंडित देवीदत्त के किरदार में नजर आए थे, जो फिल्म में सत्यवती के पिता हैं। फिल्म में संतोषी माता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अनीता गुहा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म की शूटिंग का पहला दिन बहुत अफरा तफरी में बीता था, जिसके चलते पहले नाश्ता और फिर दोपहर का भोजन भी मिस हो गया था। इसका एहसास जब निर्देशक विजय शर्मा को हुआ, तो उन्होंने शाम को सभी के खाने के लिए इंतजाम किया, तो अनीता जी ने यह सोचकर खाने के लिए मना कर दिया कि कहीं मेकअप खराब हो गया तो उसे फिर से ठीक करने में काफी वक्त लग जाएगा। इस तरह पूरा दिन बिना खाए गुजारने के बाद अनीता गुहा ने इसे ईश्वरीय इच्छा को मानते हुए फिल्म की शूटिंग के दौरान हर दिन व्रत रखने का फैसला कर लिया था। यह फिल्म अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेश खन्ना जैसे बड़े कलाकारों के उस दौर में बनाई गई थी, जहां लोग एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करते थे। ऐसे समय में कम बजट और नए चेहरों को लेकर बनाई गई एक धार्मिक फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में बहुत से लोगों का अहम योगदान रहा था। इन्हीं लोगों में म्यूजिक डायरेक्टर सी अर्जुन और गीतकार कवि प्रदीप का नाम भी शामिल है, जिनके शब्दों और धुनों ने उस समय के सिनेमा प्रेमियों पर एक अलग ही जादू कर दिया था। इस फिल्म के 7 शानदार गीतों को महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर, मन्ना डे और खुद कवि प्रदीप ने अपनी आवाज दी थी, जिनमें से एक गीत मैं तो आरती उतारू रे को आज भी संतोषी माता के भक्त मंदिरों में आरती के रूप में गाते हैं। 15 अगस्त 1975 को हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म शोले के साथ यह फिल्म भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अपने पहले दिन यानी शुक्रवार को पहले शो में 56 रुपए, दूसरे शो में 64 रुपए, तीसरे शो में 98 रुपए और रात के शो में मुश्किल से 100 रुपए कमाए थे। फिल्म जय संतोषी माँ के पहले 3 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि आगे यह फिल्म साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बन जाएगी। और इस करिश्मे की शुरुआत हुई सोमवार के दिन, जब मुंबई और आसपास के इलाकों से बैलगाड़ी और पैदल लोगों की कतारें सिनेमा घरों की तरफ जाने लगी। पता चला कि ये लोग जय संतोषी माँ की तारीफ सुनकर यहाँ आए हुए हैं।
फिर क्या था, लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जो कभी शोले के दर्शकों से भी अधिक मालूम पड़ती थी। इस फिल्म को लेकर लोगों के दिलों में श्रद्धा की भावना इतनी अधिक हो गई थी कि लोग अपने जूते सिनेमा घरों के बाहर उतारकर अंदर जाते थे। फिल्म पूरी होने के बाद बाहर बाकायदा प्रसाद बांटा जाता था और दुकानदार सिनेमा घरों के बाहर संतोषी माँ की अलग अलग मूर्तियां लेकर बैठ जाते थे। बड़ी स्क्रीन पर लोग अनीता गुहा को संतोषी माँ के रूप में देखकर फूल और सिक्के उछाला करते थे, जो अगले दिन सिनेमा घरों के सफाई कर्मी उठा लेते थे। और कहा जाता है कि उन सिक्कों से कई लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनने से पहले संतोषी माँ के भारत में गिने चुने मंदिर थे और बहुत से लोग संतोषी माँ के नाम से भी अनजान थे। यहाँ तक कि इस फिल्म में संतोषी माँ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अनीता गुहा को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मगर इस फिल्म के बाद संतोषी माँ के मंदिर बनने लगे, लोग उनकी पूजा करने लगे और साथ ही अन्य देवी देवताओं की तरह संतोषी माता के व्रत रखने का विधान भारत के अधिकांश राज्यों में इस फिल्म के बाद ही शुरू हुआ था। साल 2006 में जब इस फिल्म को पहली बार टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था, तब अनीता गुहा ने बताया था कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ हर समय मौजूद रहती थी। लोग उन्हें देवी मानने लगे थे और उनके दर्शन के लिए हर वक्त बाहर खड़े रहते थे। अनीता गुहा का कहना था, जब वो अपने घर से बाहर निकलती थी तो लोग अपने बच्चों को उनकी गोद में डाल देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि देवी का स्पर्श होने पर उनके बच्चों का कोई अनिष्ट नहीं होगा। अपने करियर में कई पौराणिक किरदार निभाने वाली अनीता गुहा के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था और यही वजह थी कि आराधना फिल्म में राजेश खन्ना की मां का किरदार निभाने वाली अनीता गुहा को इस फिल्म के बाद सबसे ज्यादा धार्मिक किरदारों में ही देखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी अप्रतिम सफलता के बाद ऐसा क्या हुआ कि यह फिल्म लोगों की नजरों में शापित बन गई, तो उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। दरअसल इस फिल्म से जुड़े अधिकतर लोगों का जीवन इस फिल्म के बाद काफी मुश्किल हालातों में गुजरा था। फिल्म के प्रोड्यूसर सतराम रोहरा दिवालिया हो गए थे। फिल्म के वितरक केदारनाथ अग्रवाल के पास भी अपना पैसा नहीं पहुंच पाया था। कहा जाता है कि उस पैसे को केदारनाथ के भाइयों ने बीच में ही समेट लिया था। इसके अलावा अनीता गुहा का भी अपने पति के असामयिक निधन के बाद एक गंभीर बीमारी के चलते गुमनामी में निधन हो गया था। और सुपरस्टार भारत भूषण के आखिरी दिनों से तो हम सभी वाकिफ ही होंगे। सितारों का अंजाम भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन यह फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा की धार्मिक फिल्मों के लिए एक मिसाल है। एक ऐसी फिल्म जिसने शोले, प्रतिज्ञा और दीवार के दौर में दंत कथाओं को अपनी बात रखने में मदद की थी। सभी मुश्किलों और कालजयी फिल्म से टक्कर के बावजूद 12 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 5 करोड़ का बिजनेस किया था, जो इस फिल्म की सफलता को खुद ब खुद बयां करता है। इस फिल्म के रिलीज के 30 साल बाद 2006 में इसी नाम से एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें एक बार फिर उषा मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जादू एक ही बार होता है। संतोषी माता पर आगे भी कई फिल्मों और टीवी सीरियल का निर्माण किया गया, मगर कोई भी सफलता के उस स्तर को छू नहीं पाया जो साल 1975 में तय किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे नए चैनल नारदवाणी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।